बता दूं कि अभी मैं यहां रणधीर वर्मा चौक पर मौजूद हैं और यहां पर कांग्रेस की एक रैली होने वाली है। हालांकि रैली पहले से शेड्यूल थी, लेकिन आज जब राहुल गांधी पर यह फैसला आया है और एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें राहत दी है, उसके बाद कांग्रेसियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और वो काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ अगर आप पीछे देखेंगे तो बहुत सारे कांग्रेसी हैं जो कि आज 6 विधानसभा जो धनबाद के लोकसभा धनबाद शहर में आते हैं, 6 विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर जो कांग्रेस का जो मोटो है, कांग्रेस का जो एजेंडा है, उसको वहाँ लोगों के बीच देंगे। मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं, मोदी सरकार की जो तानाशाही है, जो कांग्रेस हमेशा आरोप लगाते रहती है, उन विफलताओं को, उन आरोपों को जो है लोगों के बीच जाकर बताने वाले हैं। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के लोग हैं, आइए हम बात कर सकते हैं, बात करेंगे। जो आयोजक हैं, जो अशोक सिंह जी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और इनके ही नेतृत्व में ये आयोजन हो रहा है। हम पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो 6 विधानसभा क्षेत्रों में आप घूमेंगे, क्या मकसद है, क्या एजेंडा है? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और प्रभारी अविनाश पांडे जी ने एक निर्देश जारी किया है तमाम कांग्रेसजनों को कि भारत जोड़ो यात्रा की बात आमजनों के साथ, ये झारखंड में ये कार्यक्रम चल रहा है जो 5 सितंबर तक चलेगा, 5 सितंबर को इसका समापन है। तो आमजनों के साथ जो बात करनी है उसी को लेकर के ये बाइक का सफ़र निकला है और इसके साथ साथ जो इंडिया का गठन हुआ है और इंडिया ने जो संकल्प पत्र जारी किया है बेंगलोर में, उस संकल्प पत्र को भी हम लोग जनता के बीच में वितरित करेंगे ताकि इंडिया का जो संकल्प है देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, उससे भी हम लोगों को अवगत करा सकें। और आज हमारी खुशी और दोहरी हो गई है, ये प्रोग्राम तो पहले से तय था लेकिन आज खुशी में इजाफा हो गया कि कल हमारे राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट से जो उनके ऊपर में आरोप लगा था उस पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कांग्रेस जनों की खुशी तो अब चरम पे है, चूँकि राहुल गांधी फिर जनता की आवाज़ बन करके संसद में जाएंगे। तो कुल मिला करके अगर आप देखिए तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ सम्मिलित हो गई है और इसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए जो मापदंड रखा है, तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र को हम लोगों ने पूरा दायरे पर रखा है। ये जो आज का सफ़र है, यहाँ रणधीर वर्मा चौक से गांधी सेवा सदन में गांधी जी को मालार्पण करके हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और निरसा, पहले निरसा विधानसभा को जाएंगे, उसके बाद उधर से सिंदरी हम लोग निकलेंगे बलियापुर होते हुए और चंदन क्यारी, बोकारो, झरिया होते हुए वापस इसी स्थान पर ये समाप्त होगा। तो मूल उद्देश्य यही है कि कांग्रेस की आवाज़ हर घर तक जाए, इंडिया का जो संकल्प है वो लोगों तक जाए और राहुल जी का जो नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो जो है, प्यार मोहब्बत, नफ़रत की दुकान को बंद कराओ, मोहब्बत की दुकान खोलो, तो इन सारे चीज़ों को लेकर के जनता के बीच जाना है। आज का कार्यक्रम यही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। निश्चित रूप से 2024 अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और अगर आप देखें तो अगले साल मई में चूँकि चुनाव होना है और अभी हम अगस्त में खड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने का समय बच रहा है। तो जन जन तक अगर हम नहीं पहुंचते हैं, लोकसभा क्षेत्र के हर इलाके में अगर नहीं जाएंगे, तो हम इंडिया का जो संकल्प है, हमारा राहुल गांधी का जो संदेश है, उसको अगर हम घर तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर 2024 में हम चुनाव मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारा मकसद है कि कांग्रेस मजबूत हो, इंडिया मजबूत हो, तो इसी को लक्ष्य में रख करके आज का यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। और आप देख रहे हैं कि ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, यही स्लोगन है, राहुल जी ने यही नारा दिया है, जीतेगा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो इस नारे को हमको जन जन तक पहुंचाना है, हर लोगों के दिमाग में इसको डालना है कि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी में मैं का राज हो गया है। मैं NDA गठबंधन की अगर आप देखे होंगे मीटिंग, तो एक मोदी जी सामने खड़े हैं, बाकी सारे लोग कौन हैं पता नहीं है, तो वहाँ पर है मैं और इंडिया में है हम। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हम को तोड़ना चाहते हैं। हम का मतलब क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान, ह से हिंदू, म से मुसलमान।
तो हम लोग इंडिया वाले जो है वो हम का नारा देते हैं, हम सब मिल करके लड़ेंगे ये नफरतवादी ताकतों से, और ये मैं वाले जो हैं इनको हम लोग हराएंगे। देखिए आज के दिन में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का इन्होंने वादा किया था, आज तक रोज़गार इन्होंने नहीं दिया। हर लोगों के खाते में 15 लाख देने का बात किया था, इनके गृह मंत्री ने खुद ही कह दिया कि ये जुमला है। महंगाई देख लीजिए कि चरम पे है, 400 का सिलेंडर 1200 पे चला गया है, पेट्रोल का दाम देखिए शतक लगाए हुए है, खाने पीने की वस्तुएं जो है आसमान छू रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे आज के आम जनता से जुड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, और ये इन सारे चीज़ों को लेकर, और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो नफ़रत अगर आप समाज को बांटते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर जितने लोग हैं सबके ऊपर में आता है, और इसका असर व्यवसाय पे, कारोबार पे, सब पे अगर नफरत है, लड़ाई झगड़ा है। अभी आप देख लिए हरियाणा में, नूह में क्या हुआ, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में भी नफरत है, दो समुदायों के बीच में इन्होंने झगड़ा लगा रखा है, और वो भी इन्हीं की कारस्तानी है। तो इस नफरत के बाजार को मिटाना है, मोहब्बत की दुकान खोलना है, यही राहुल जी का संदेश है। इसी संदेश को हमको जन जन तक पहुंचाना है, इसी के लिए आज ये बाइक रैली है जो कम से कम 180 किलोमीटर लंबा सफ़र ये तय करेगा। धनबाद के इतिहास में शायद ये पहला ऐसा मोटरसाइकिल रैली है जो एक दिन में 6 विधानसभा को कवर करके 180 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। नफरत के बाजार को जो है समाप्त करना है, मोहब्बत का बाजार हमें फैलाना है, देश भर में राहुल गांधी जी ये कर रहे हैं, और क्या उनका मिशन है, किस तरह से ये आम लोगों के बीच हम कांग्रेस सिपाहियों का ये जो संदेश है उनका, उसी को पहुंचाने के लिए हम लोग जो है ये आज अशोक सिंह जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, इनके नेतृत्व में हम लोग बाइक रैली कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संदेश से आम देश के नागरिक पे प्रभाव पड़ेगा और जीतेगा इंडिया जो स्लोगन है उनका, सफल होंगे। राहुल गांधी जी को आज राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद अभी तक ऐसा था कि राहुल गांधी जी नहीं है, जो INDIA गठबंधन है उसमें वो शामिल, कांग्रेस शामिल थी, लेकिन राहुल जी की सदस्यता रद्द होने के बाद वो शामिल नहीं थे। कांग्रेस के पास ऐसा था कि अब उनके पास प्रधानमंत्री पद का कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन अब आज के बाद एक कैंडिडेट राहुल जी भी हो गए। क्या कहेंगे, जो INDIA गठबंधन है उस पर इसका कोई असर पड़ेगा? इंडिया जो गठबंधन है इस पर इसका असर तो पहले से भी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में बहुत से ऐसे सारे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के काबिल हैं, और हमारे आदरणीय राहुल जी जिस तरह से उन्होंने 4000 पैदल किलोमीटर यात्रा करके अपनी दृढ़ता के साथ कि डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने के लिए उन्होंने जिस तरह से 4000 किलोमीटर का यात्रा किया, और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता हाथ जोड़ो नारा के साथ एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में जा कर के जिस तरह से कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी नेतृत्व विहीन नहीं है। हमारे आदरणीय राहुल जी को जिस तरह से उन्होंने जानबूझ करके लोकसभा की सदस्यता रद्द किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो उनके ऊपर लगाए गए आरोप थे, जो उनकी ऊपर उनको सजा दी गई थी, उनको अभी फिलहाल रोक लगाते हुए इस देश को उन्होंने खुद, सुप्रीम कोर्ट ने अब सवाल किया है कि जिसको जनता सांसद चुना है और उनको कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई है थी कि जो कि उनका सजा को मैक्सिमम सजा 2 वर्ष पूरा करना था, 1 वर्ष 11 महीना भी हो सकता था, लेकिन यह जानबूझ के प्रतीत होता है कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आदिवासियों के बारे में तो आज जन जन के बीच जा रहे हैं,
आपकी यात्रा कैसे सफल मानी जाएगी? देखिए, कोई व्यक्ति अपना निजी मामला कुछ भी बयान दे सकता है, उससे कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का कोई बयान नहीं है और हम लोग जानते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ऑथेंटिक बयान अगर रहता तो उस पर हम कुछ बोलते, इसलिए उन पर हमको कुछ बोलने का औचित्य नहीं है कि जो व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी कहीं कुछ बोल सकता है तो वो पार्टी का नहीं है। कांग्रेस का नेता तो बहुत हैं, लेकिन अपनी अपनी समझ से कोई अपना व्यक्तिगत भावना को उजागर करता है तो उससे पार्टी हित पर कोई असर नहीं आना चाहिए और हम समझते हैं कि वो पार्टी के लिए वो नहीं बयान है, वक्तव्य है। कांग्रेस पार्टी हमेशा झारखंड को में आदिवासियों को समान करते आई है और करते रहेगी। आपने देखा कि भाजपा के लोग जिस तरह से आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करते हैं, पेशाब करने वाला शुक्ला जी होते हैं, मुख्यमंत्री जी उससे पैर धोकर माफ़ी मांगने वाले होते हैं। तो ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का नहीं है, भाजपा वालों का ही है, जो कि पूरे देश में प्रदर्शित हो चुका है। आदिवासी हमारे साथ हैं और आदिवासी कांग्रेस हमेशा दबे कुचले पिछड़े हरिजन आदिवासी को साथ लेकर चली है और हमेशा उनके कल्याण के बारे में सोचती है। तो एक कांग्रेस ही पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने का हमेशा वादा करती है और साथ चलते भी रही है, निभाई हुई वादे को। इसलिए आदिवासी हमसे अलग नहीं है और ना हम आदिवासी से अलग हैं। उनके भावना में किसी तरह का कांग्रेस पार्टी ठेस पहुंचाने का कभी काम नहीं किया है, हमेशा उनको सम्मान दिया है और करती रहेगी। हमारे साथ सीनियर लीडर हैं योगी जी, आप बताइए कि जो ये INJIE गठबंधन है इसमें अब्राहम जी की डायरेक्टिव हो गई जी, अब वो भी अभी तक था कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री ममता बनर्जी, अब राहुल गांधी फ्रंट में आ गए हैं, कांग्रेस भी अब फ्रंट से गिर गई, क्या कहेंगे गठबंधन? देखिए ऐसा है ना, ये गठबंधन जो बना है इसमें प्रधानमंत्री कोई उम्मीदवार नहीं, हमें बस केवल केवल है मोदी जी को हराना है। मोदी जी को हराने के लिए गठबंधन है और सारे विपक्षी जो हैं सब एक हैं, या नीतीश जी हों या केजरीवाल जी हों या ममता दीदी हों या कोई भी, सारे गठबंधन है। केवल यही श्रेय है कि हम भाजपा को कैसे हरावें। आज हम लोग 26 हैं, लेकिन जब भाजपा को चिंता बढ़ गई, वो जब हमारे देश में सरकार चला रही है तो 38 को गठजोड़ कर लिया, खास करके बिहार में जाके 4 को गठजोड़ कर लिया, जबकि आपका रामविलास पासवान जी हैं, आपका कुशवाहा जी हैं, सारे लोग मांझी जी हैं, सारे लोग को कर लिए, एक एक राज से 5-5 को किए हैं, 38 को जोड़ किए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो गठबंधन इंडिया का हुआ है, आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव हैं, आपका नीतीश जी हैं, आपका केजरीवाल जी हैं, आपका ममता जी हैं, चाहे शरद पवार जी हैं, जो भी हैं, ये सारे गठबंधन में सभी अपने जनाधार के क्षेत्र के हैं और सभी लोग स्ट्रांग हैं। ये गठबंधन केवल इसलिए हुआ है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये लास्ट में जीतने के बाद तय होगा। ये अभी कोई ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी नेता, कांग्रेस के देश के नेता हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, हम लोग राहुल जी को मानते हैं और सोनिया जी उनका अगुवाई कर रहे हैं सब लोग का। देखिए, एक सफा है आपको बता दें, बिहार में जब गठबंधन की पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक आपका बंगलोर में हुआ, तीसरा बैठक जो है जब हमारा संयोजक NDA का चुनाव होगा उसमें एक संयोजक चुने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्शन केवल विपक्षी जो जो इंडिया के गठबंधन के तहत इलेक्शन लड़ेंगे, जो जहां हैं ममता बनर्जी भारी हैं आपका UP में, बंगाल में वो ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे, UP में अखिलेश यादव वो ज़्यादा लड़ेंगे, हम जहाँ कर्नाटक में ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश में ज़्यादा हैं, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हैं, वहाँ हम लड़ेंगे। उसके बाद हम ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार होगा, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में होगा। ये सभी चेहरा है इंडिया का,
ये सभी चेहरा हैं जो आप चेहरा देख रहे हैं गठबंधन में, 26 चेहरा के नेतृत्व में चुनाव होगा। कांग्रेस के नेता अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो बता सके कि आखिर किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, कुछ युवा हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम? धनबाद प्रखंड अध्यक्ष पप्पू कुमार पासवान, कांग्रेस कमेटी। मुझे एक चीज बताइए कि जिस प्रकार से ये भावना है उनका, मोदी जी का थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा लोकतांत्रिक चलते मैंने डर गए हैं राहुल गांधी से, जो आनंद सवाल करते हैं हाउस में कि आपका अडानी के साथ रिश्ता क्या है, फलाना ठिकाने के साथ क्या आपका संबंध है, इससे मोदी जी डर गए हैं। और उसके लेकर के राहुल गांधी ने स्पष्ट जनाधार दिया है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। उसी तरफ आज धनबाद में हमारे लोकसभा के अंतर्गत में जो आज बाइक रैली निकल रहे हैं, जगह जगह पर जो हम लोग आज जाएंगे, चौक चौराहे पर जाएंगे, तो इसमें भी हम लोग का नारा है नेतृत्व करेगा अशोक सिंह, जीतेगा लोकसभा ने अशोक सिंह। और हम लोग का एक सूत्री मांग है कि लोकसभा चुनाव लेकर हम लोग चल रहे हैं धनबाद, जो वर्षों से 15 साल से निकम्मी सांसद धनबाद का पीएन सिंह यहाँ पर काबिज है, उसके चलते आज सैकड़ों लड़का गया पुल के पास फंसा हुआ है ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण, बहुत सा आदमी ऐसा है उनका एक भी कार्यकर्ता नहीं हुआ है। ऐसे नेतृत्व को हम धिक्कारते हैं, भाजपा को हटाना चाहते हैं और अशोक सिंह के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और जुड़ेगा भारत जीतेगा अशोक सिंह। जय हिंद, जय कांग्रेस।